हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर मनोहरे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7D क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिंदु ए -6, 10, बी -4, 6 और सी 3, -8 इस प्रकार संरेख हैं कि ए बी बराबर हैं 2/9 AC के, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जो है देखेंगे कि ये संरेख है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पहले संरेख देख लेते हैं कि है कि नहीं है, तो उसके बाद से देखेंगे कि क्या है ए बी बराबर है 2/9 AC के, माने है बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के कि नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहले जो है ये संरेख है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो बिंदु अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे हल। और देखिए दोस्तों, आप लोग परीक्षा में लाल पेन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। लाल पेन केवल हम लोग के लिए है, ठीक है ना। ये बता रहे हैं इसमें, तो जो है इसे ये मत समझिएगा कि लाल पेन का यूज हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है त्रिभुज, हम लोग क्या जो है क्या करेंगे, तीन गो बिंदु दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे कि शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे हल। हल में जो है लिखिएगा कि दिए गए बिंदु संरेख होंगे यदि इनके क्षेत्रफल क्या हो, शून्य हो, इनके क्षेत्रफल शून्य हो। दिए गए बिंदु लिख लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक 6 और 10 है, बी जिसका निर्देशांक -4, 6 है, और सी जिसका निर्देशांक क्या है, तो सी जिसका निर्देशांक क्या है तो 3 और -8 है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए इन तीनों त्रिभुजों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों बिंदुओं से। चूँकि संरेख कब होंगे, जब एक ही रेखा पे होंगे, तो जब एक ही रेखा पे होंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे तो त्रिभुज तो देखते हैं शून्य है कि नहीं है, शून्य होना चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और देखते हैं कि शून्य है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी तीन गो बिंदु है, तो इससे त्रिभुज ए बी सी बनेगा, त्रिभुज ए बी सी बनेगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, का क्षेत्रफल बराबर क्या शून्य आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैंने यहाँ हमने जो भी दिया है ठीक लिखा है कि दिए गए बिंदु संरेख होंगे, तो यदि इनके जो क्षेत्रफल भी शून्य होंगे, तो देखते हैं कि इसके क्षेत्रफल शून्य है तो कहेंगे कहीं संरेख है, तो अब देखते हैं बीसी का क्षेत्रफल शून्य आता है कि नहीं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 ix × x1 × y2 − y3 होता है, प्लस में जो है क्या होता है, तो x2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y3 − y1 उसके बाद से प्लस में x और क्या हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा y1 − y2 और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यही सूत्र होता है ना, ठीक है, यही सूत्र होना सही है, ठीक है, सूत्र सही है आपका, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है कि नहीं, जब देखते हैं तो बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद से क्या रहेगा, तो ब्रैकेट रहेगा, उसके बाद x1 का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः मान लीजिए x1 है, y1 है, ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है, क्रमशः बिंदु मान लीजिए 1, 2, 3, तो 3 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है तो x1 y1 है, 2 नंबर पे है तो x2 y2 है, 3 नंबर पे है तो x3 y3 हो जाएगा, ठीक है।
तो एक्स वन का मान माइनस छः है, तो यहाँ पे लिखिए एक्स वन का जगह पर माइनस छः, ठीक है, माइनस छः लिख दीजिए। उसके बाद से वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू का मान देखिए छः है, अब माइनस में वाई थ्री, तो वाई थ्री का मान माइनस आठ है, तो प्लस में आठ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है आयो माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आठ हो जाएगा, हैं। अब प्लस में जो है प्लस तो रहेगा इस सूत्र में, और फिर एक्स टू, तो एक्स टू का मान देखिए कितना है, तो एक्स टू का मान माइनस चार है, ठीक है, तो एक्स टू का मान माइनस चार रखिए, यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस, सॉरी एक्स टू का मान माइनस चार है ना, तो अब माइनस में रख दीजिए, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस से होगा, यहाँ पे जो है चार रख दीजिए, ठीक है ना, माइनस चार, अब तब जो है गुणा कीजिए, ठीक है, माइनस चार रखिए, ठीक है, एक्स का मान, एक्स टू का मान जो है माइनस में चार हो रहा है ना, तो माइनस में चार रखेंगे, माने भले यहाँ सूत्र में प्लस है, ठीक है ना, तो जब प्लस माइनस का गुणा करेंगे ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस चार, और उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री का मान कितना है, माइनस आठ है, अब वाई वन का मान कितना है, तो वाई वन का मान देख लीजिए माइनस में दस हो जाएगा, प्लस में दस है, तो यहाँ सूत्र में माइनस है, हाँ, अब वाई वन का मान लिया के दस रख देना है, ये ना है वाई वन, हैं, अब उसके बाद से प्लस है तो प्लस, इसके बाद से एक्स थ्री, तो एक्स थ्री का मान देखिएगा, एक्स थ्री का मान तीन है तो तीन, और उसके बाद से वाई वन का मान देखिए ना, तो वाई वन का मान कितना है दस, तो यहाँ पर दस रख देना है, और माइनस में वाई टू, तो वाई टू का मान देखिए ना छः है, तो छः रख देना है, अब ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है, अब उसके बाद से जो है क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बटे दो, और फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद से आठ छः चौदह, तो माइनस छः इंटू आठ छः चौदह, ठीक है, अब माइनस में चार इंटू, अब देखिए ये भी माइनस माइनस है तो जुटेगा, कभी भी माइनस माइनस आपस में जुट जाता है, चिन्ह माइनस से करेगा, तो दस आठ अठारह, चिन्ह माइनस करेगा तो अठारह माइनस में, प्लस में जो है क्या है तीन है, इसको जो है सॉल्व करेंगे तो दस में से छः घटेगा तो ये हो जाएगा चार, ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद से क्या करेंगे, तो एक बटे दो ब्रैकेट बंद, चौदह चौक को चौदह पचास, चौदह छः चौरासी, चौदह छः चौरासी, चिन्ह जो है माइनस में आएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और चौदह छः चौरासी, तो ये हो जाएगा चौरासी, ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो अठारह चौको बहत्तर हो जाएगा, उसके बाद से चार तीन बारह प्लस में रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। उसके बाद से जो है क्या करेंगे, तो देखिए तो एक बटे दो हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, अब देखिए अब भाई माइनस में चौरासी है, प्लस में बहत्तर है, प्लस में बारह है, तो प्लस प्लस जुट जाएंगे आपस में, तो माइनस चौरासी तो रहेगा, हम प्लस में जो है बहत्तर और बारह, ये हो जाएगा चौरासी, ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा एक बटे दो, देखिए चौरासी माइनस में है और प्लस में चौरासी, तो ये हो गया जीरो गुणे जीरो, तो बराबर हो गया जीरो, यानी कि जो है ये बिंदु हो जा कन्फर्म हो गया कि संरेख है, ठीक है ना, तो ये जो है संरेख है, ये जो है सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है, और संरेख है तो इस प्रकार जो है कह रहा है कि ए बी क्या टू बटे नौ ए सी के बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग जो ए बी भी निकाल लेते हैं भुजा और ए सी भी निकाल लेते हैं, तो देखिए अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं ना, तो ए का निर्देशांक लिख देते हैं यदि, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए यदि ए, ए का मान कितना दिया है, तो माइनस छः और दस, एन दिया है, और बी है, और बी जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो बी का निर्देशांक है माइनस चार और छः, तो माइनस चार और छः लिख देंगे, ठीक है ना, यदि ए बराबर इतना, मैंने ए के निर्देशांक कितना हो और बी के निर्देशांक कितना हो, तो ए बी बराबर क्या हो सकता है, तब ए बी बराबर क्या हो जाता हो जाएगा, तब लिख दीजिएगा, तब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस, हम लोग सीधा लिखेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है,
ये सूत्र में होता है, आप लोगों के किताब में भी दिया होगा, ठीक है ना। ऐसे भी हम लोग इस सूत्र को लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि x2 माइनस एक्स वन करेंगे या वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन करेंगे। हम लोग जो है एक्स वन माइनस एक्स टू भी कर सकते हैं, वाई वन माइनस वाई टू भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका तो वर्ग रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब बीच में है प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, बीच में है प्लस रहेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्रमशः इसको एक्स वन और वाई वन मान लीजिए, और इसको जो है एक्स टू और वाई टू मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मान रख दीजिए इसमें, तो एक्स वन का मान कितना है, तो एक्स वन का मान माइनस में छः है, ठीक है। अब माइनस में एक्स टू, तो एक्स टू का मान कितना है, तो एक्स टू का मान माइनस में चार है। तब देखिए एक्स टू का मान माइनस में चार हो रहा है, यहाँ सूत्र में माइनस है, तो माइनस माइनस जो है क्या होता है, प्लस हो जाता है, गुणा पहले ही कर लेते हैं और चार रख देते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत। मैंने सूत्र में माइनस है, हयो माइनस है, तो जब दोनों यहाँ माइनस है न, तो प्लस में लिखेंगे और चार, ठीक है। अब इसका जो है वर्ग कर देंगे प्लस में वाई वन, तो वाई वन का मान देखिए ना दस है, तो यहाँ पे दस लिख दीजिए। और वाई टू का मान देखिए कितना है, तो वाई टू का मान कितना है भाई, तो छः है, तो माइनस में लिख देंगे छः, ठीक है, ब्रैकेट बंद और इसका वर्ग, ठीक है। अब उसके बाद से जो है क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में जो है क्या होगा देखिए, तो अब देखिए पहले इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस छः है और प्लस में चार है, तो छः में से जो है चार घटा देंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे, तो छः में से चार जो दो है, माइनस में दो, ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे। प्लस में दस में छः घटा देंगे चार, और चार का वर्ग कर देंगे, ठीक है, कोनो दिक्कत, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे अंडर रूट में माइनस दो का वर्ग, तो माइनस दो का वर्ग जो है कितना हो जाएगा, दो दूना चार, और प्लस में होगा, ठीक है, और प्लस में जो है चार चौका सोलह, तो ये हो जाएगा सोलह, ठीक है ना। अब जो है अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो सोलह और चार बीस हो जाता है, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, दो गुणे पाँच, दो दूना चार, चार पचे बीस, ठीक है, तो दो गुणे पाँच लिख सकते हैं। और इसी बतिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दो का जोड़ा लग रहा है, तो जब दो का जोड़ा लगेगा तो इकर्णी से बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा पाँच, ठीक है, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत है तो बताइए, मैंने समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे दो अंडर रूट पाँच कैसे हो गया, ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए बराबर, और फिर अब का बराबर हो गया, बराबर यानी कि ए बी का मान कितना निकल गया, ए बी बराबर हम लोग लिख देंगे ए बी बराबर कितना निकल गया, तो दो अंडर रूट पाँच, ठीक है, ए बी बराबर हो गया दो अंडर रूट पाँच। अब हम लोग देखते हैं ए सी निकाल के, ठीक है ना, तो ए सी निकालते हैं, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं, और यदि फिर लिख लेते हैं बिंदु आ, ठीक है ना, यदि और यदि ए का मान तो दिया ही है, यदि ए का मान कितना है माइनस छः और दस, और सी का मान देख लीजिए सी बिंदु का, तो सी बिंदु का तीन माइनस आठ है, तो और सी का जो है क्या है, तो तीन और माइनस आठ, ठीक है। अगर दिया है माने अगर ए और सी दो बिंदु हो, तो इनके बीच की दूरी निकालते हैं, तो बीच की दूरी तो ए सी बराबर, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में वो है एक्स वन माइनस एक्स टू, ये आसान सूत्र लगता है हमको, का स्क्वायर अब प्लस में प्लस जरूर रहेगा, प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होला स्क्वायर है, पूरा रहेगा वर्ग, ठीक है ना, ये नहीं कि जो हाफ है वर्ग दीजिएगा, पूरा जहाँ तक का समीकरण है तहाँ तक का वर्ग है, ठीक है। बराबर अब जो है क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में मान रख दीजिए एक्स वन का मान कितना है माइनस में छः, और एक्स टू का मान कितना है, तो तीन, तो माइनस में तीन लिखेंगे, ठीक है ना, माने माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस में है तीन है तो, ठीक है। अब इसका वर्ग, अब प्लस में वाई टू का वाई वन का मान देखिए, तो वाई वन का मान दस है, और माइनस में वाई टू, तो वाई टू का मान जो है माइनस में आठ हो जाएगा, तो देखिए माइनस तो इस सूत्र में है ही है, और यहाँ भी माइनस हो रहा है, तो क्या लिख देना है, प्लस करके लिख देना है, ठीक है, आठ लिख देना है, इसका वर्ग कर देना है, माने कोनो दिक्कत। देखिए जब सूत्र में माइनस है आ अंक भी माइनस में रख रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है, बस यह ध्यान में रखना है कि माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो पहले ही प्लस रख देंगे, ठीक है, पहले ही रख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो छः तीन नौ, तो ये हो जाएगा माइनस में नौ, इसका वर्ग, प्लस में जो क्या हो जाएगा, तो दस आठ अठारह, तो अठारह का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, कोनो दिक्कत। अब बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या बराबर में लिख सकते हैं अंडर रूट में, अब देखिए नौ का वर्ग करेंगे तो नौ नवा इक्यासी,
अब प्लस में 18 का वर्ग करेंगे तो 18 18 में कितना होता है 324, तो इसको लिख देंगे 324। ठीक है, 18 18 में 324 माने 18 का वर्ग कितना होगा 324 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे 81 या 324 तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में, तो बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 4 1 5 हैं, 2 8 10 के 0 1 और 3 1 4, तो 400 हो रहा है 5। तो 405 का मतलब क्या हो गया, 405 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको गुणनखंड करके 9 9 81 5। ठीक है, हो जाएगा, कोनो दिक्कत। तो 9 9 81 5 तो हो जाएगा कहता ना 405। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, बराबर। अब देखिए 9 का जोड़ा लग रहा है तो 9 बाहर निकल जाएगा, 9 का जोड़ा लग रहा है तो 9 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 5। ठीक है, अंडर रूट में बच गया 5, तो आया 9/9 √5 एसी का मान। ठीक है ना, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, चूँकि हम लोग को दिया गया है कि दिखाना है कि ए बी बराबर है और ए सी के, चूँकि दिखाना है कि क्या ए बी बराबर है क्या 2/9 किसके, ए सी के। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि इतना दिया है, कितना बराबर इतना से, तो अब हम लोग लिखेंगे इससे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लीजिए चाहे बायां पक्ष लीजिए, कौनों ले लीजिए, तो दायना पक्ष लेते हैं। ठीक है ना, से दायां पक्ष लेने पर, से दायां पक्ष लेने पर, तो अगर दायां पक्ष इसमें से लेते हैं तो 9 2/9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2/9 इंटू ए सी, तो ए सी का मान इसमें रख देते हैं। ठीक है ना, दायां पक्ष लेने पर तो दायां पक्ष बराबर क्या हो गया 2/9 और गुड़े ए सी, तो बराबर लिख सकते हैं 2/9 और ए सी का मान हम लोग निकाले हैं क्या 9 √5। ये ना, ए सी का मान निकाले हम लोग, ए सी का मान निकाले हम लोग 9 √5, ये ना निकाले हैं, तो 9 √5 यहाँ पर रख दीजिए ए सी का मान। ठीक है, तो ए सी की जगह पर रखिए 9 √5। ठीक है, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा 2 √5। ठीक है, और जो कि 2 √5 जो है क्या है, तो 2 √5 दायां बायां पक्ष के बराबर हो रहा है, बायां पक्ष के माने बायां पक्ष जो देखिए ना, ए बी का मान कितना निकला हुआ है, ए बी का मान 5 √2 2 √5 निकल रहा है ना, ए बी का मान यहाँ पर देखिए ए बी का मान निकला है 2 √5। ठीक है, और हम लोग बायां पक्ष दायां पक्ष को हल किए तो 2 √5 आया, और 2 √5 ए बी बायां पक्ष जो है क्या है, तो ए बी है, बायां पक्ष ए बी है, तो यानी कि बायां पक्ष बराबर हो जा रहा है, दायां पक्ष बराबर हो जा रहा है बायां पक्ष के, माने दाहिना पक्ष जो है क्या हो गया, दायां पक्ष लेने पर हल किए तो हम लोग को आया 2 √5, और ये जो है किसके बराबर है, तो बायां पक्ष के बराबर है, क्योंकि बायां पक्ष ए बी का मान 2 √5 भी आया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के। ठीक है ना, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, यानी कि बायां पक्ष बराबर हो रहा है क्या, बायां पक्ष बराबर हो रहा है दायां पक्ष। ठीक है, तो इति सिद्धम, यह सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है ना, तो बस इतना ही जो है सिद्ध कर देना है। तो क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, और यह सवाल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, और फिर आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है सवाल में तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए। ठीक है ना, अधिकांश तो प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे सवाल बता दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में पहले देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, अगर नहीं मिलता है तब जो है आप लोग कमेंट कीजिए कि ये सवाल नहीं आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, वंदे मातरम।